I love my country, I love my nation, I love my people, and shut up you. एशियन कॉमेडियन लेजेंड और दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी फनकार उमर शरीफ अपने करोड़ों मदाहों को उदास छोड़कर जहां नेफानी से कूच कर गए। इन्हें गुज़िश्ता दिनों इलाज की गर्ज से अमेरिका ले जाया जा रहा था कि रास्ते में तबीयत की खराबी के बायस इन्हें जर्मनी के एक अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 में कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। 1947 में 14 साल की उम्र में फन की दुनिया में कदम रखा। इनका असल नाम तो मोहम्मद उमर है, मगर मीडिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम उमर शरीफ रखा। वो पाकिस्तान के मशहूर थिएटर, स्टेज, फिल्म और टीवी के अदाकार हैं। बुड्ढा घर पर है, हम सब एक हैं, बकरा किस्तों पर, चांद बराए फरोख्त, मुझे बीवियों से बचाओ, अकबर आजम और इस जैसे बहुत से कॉमेडी शो से वो शोहरत की दुनिया में बुलंदियों को छू गए। किसी ने लेजेंड सुपरस्टार का नाम दिया तो किसी ने कॉमेडी किंग कहा। अपने निराले मुनफरिद अंदाज से दुनिया भर में अपना लोहा मनवा कर जिंदगी भर दांत समेटते रहे। उमर शरीफ अपने तर्ज का वाहिद अदाकार है जिसे ऑडियो कैसेट के जरिए मुल्क गिर मकबूलियत मिली और इनकी मकबूलियत पाकिस्तान से निकलकर सात समुंदर पार तक फैल गई। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन सुहेल अहमद ने कहा कि उमर शरीफ बैन अल-अक़वामी सतह पर हमारे जाने पहचाने फनकार थे। वो बहुत प्यारे इंसान थे, लाहौर में मेरे मोहल्ले में भी रहते थे। उमर शरीफ की अलालत के दौरान लाहौर में इनकी रिहाइश गाह जाता था। उमर शरीफ एक हसास इंसान थे, इनके पूरे खानदान में ज़ियाबतीस का मर्ज बहुत ज्यादा है। उमर शरीफ ने पूरे खानदान के बच्चों को पाला, इनका ख्याल रखा। अदाकार हुमायूं सईद ने कहा कि उमर शरीफ एक कमाल के अदाकार थे। इनके इंतकाल पर बहुत अफसोस हुआ। उमर शरीफ आम जिंदगी में भी लोगों को बहुत हंसाते थे। इनसे जब भी मुलाकात हुई वो हंसाए बगैर नहीं रह सकते थे। बैरून मुल्क में कोई मेहमान आता तो उमर शरीफ से मिलने की ख्वाहिश करता। गुलूकार और अदाकार अली जफर का कहना था कि उमर शरीफ जैसे अजीम लोग कम ही पैदा होते हैं। हमें उमर शरीफ की खिदमात को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए।